हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे स्प्रे के बारे में जो कि आपके बॉडी के अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम को दूर करने वाला है। और एक ऐसा स्प्रे है जो कि 5 मिनट के अंदर ही आपके बॉडी के अनवांटेड हेयर को रिमूव कर देगा, एक मैजिकल स्प्रे की तरह काम करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जिस स्प्रे के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, न्यूड एक्सपोज योरसेल्फ हेयर रिमूवर स्प्रे फॉर मेन एंड वुमेन। तो एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, इसे मेन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं और ये GMP सर्टिफाइड और इंडिया का बना प्रोडक्ट है। एक ऐसा स्प्रे है कि अगर आपकी बॉडी में चाहे जितनी भी बालों की ग्रोथ हो, इसको लगाने के 5 मिनट के अंदर ही आपके बालों को ये रिमूव कर देगा। अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं और आपके हैंड्स क्लीन नहीं है या लेग क्लीन नहीं है, तो आप इसे लगा के बस 5 मिनट के अंदर ही अपने बालों की ग्रोथ को ख़त्म कर सकते हैं, अपने हैंड्स को क्लीन कर सकते हैं। तो एक ऐसा स्प्रे है कि इसको लगाने से बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, ये पेनलेस स्प्रे है, ये आपके बालों को बहुत ही स्मूथली क्लीन करता है। तो मैंने मार्केट में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई स्प्रे देखा है कि इतना कम टाइम टेकन है और इतनी ईजिली आपके बालों को रिमूव करता है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं इसका डेमो करके बताऊँगी, तो चलिए इसके डिटेल क्लिप देख लेते हैं। ये है न्यूड एक्सपोज योर सेल्फ हेयर रिमूवर स्प्रे फॉर मेन एंड वुमेन और ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, इसे मेन और वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये पैराबिन फ्री है, इसकी क्वांटिटी है 100 ml और इसका जो सेल्फ लाइफ है 2 ईयर है। इसका जो प्राइस है वो 290 rupees है, लेकिन ये आपको ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है, इससे कम में मिल जाता है। तो कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो न्यूड हेयर रिमूवर स्प्रे फॉर आर्म्स एंड लेग्स, तो ये आर्म्स और लेग्स के लिए, हाथों और पैरों के लिए है। सेक मिल बिफोर यूज़, तो इस स्प्रे को यूज़ करने से पहले इसके बॉटल को अच्छे से सेक कर लेना है। उसके बाद आपको जहाँ यूज़ करना है, जैसे आपको पैरों में यूज़ करना है तो अपने पैरों में अच्छे से इसे स्प्रे कर लेना है। देन 5 मिनट के लिए वेट करना है, उसके बाद वाइप से अच्छे से वाइप ऑफ कर लेना है, देन नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। तो इसी तरह से इसे यूज़ करना है। इसके कुछ प्रिकॉशन और सेफ्टी वार्निंग भी दी गई है, तो मैं एक एक करके बताती हूँ कि क्या है। ये नॉर्मल स्किन के लिए है, सेंसिटिव स्किन पे इसे यूज ना करें, जैसे कि अपने फेस पे एंड आर्म्स पे और प्राइवेट एरिया में इसे यूज ना करें। और हमेशा भी कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसे पैच टेस्ट जरूर कर लें। तो 24 घंटे में अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं होता है देन आप इसे रेगुलरली यूज कर सकते हैं आराम से। और अगर आपको इसको स्प्रे को लगाने के बाद अगर आपको इरिटेशन या बर्निंग हो रही है तो आप तुरंत ही वाइप से अच्छे से वाइप ऑफ करके और पानी से अच्छे से वॉश कर लें। और आपको आई कॉन्टेक्ट से इसे दूर रखना है। अगर आपने अपने स्किन पे शेव्ड किया है या हेयर रिमूवल क्रीम से अपने हेयर को रिमूव किया है या फिर वैक्सिंग कराई है, तो उस एरिया में आपको 72 घंटे यानी 3 दिन तक इस स्प्रे को नहीं यूज़ करना है। और अगर आपके कहीं कटे हैं, जले हैं या चोटी ले, तो उस एरिया में भी इस स्प्रे को नहीं यूज़ करना है। और इस स्प्रे को 10 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसमें नॉर्मली मेंशन है कि आप इसे 5 मिनट के बाद ही वाइप ऑफ कर दें, इसलिए आप 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जहां आपने इस स्प्रे को यूज करके अपने हेयर को रिमूव किया है, उस एरिया में आपको 24 घंटे के लिए कोई भी डिओड्रेंट नहीं अप्लाई करना है और आपको 24 घंटे के लिए स्विमिंग भी नहीं करनी है और डायरेक्ट सन में भी नहीं जाना है। तो डू नॉट यूज इफ यू हैड एडवाइज रिएक्शन विथ हेयर रिमूवल क्रीम। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आप इस स्प्रे को मत यूज़ कीजिए। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले अपने स्किन के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसके प्रिकॉशन हैं, तो आप यूज़ करने से पहले इसके प्रिकॉशन ज़रूर पढ़ लें। तो इस तरह का ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है, आप देख सकते हैं ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है। और इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट कैसा है और मैं अभी इसे कैसे यूज़ करना है मैं अभी डेमो करके बताऊँगी। इसके साथ आपको 2 वाइप्स भी मिल रहा है, तो ये इस तरह का वाइप है, बाकी आप नॉर्मल वाइप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक यूज़ कर लिया है, दूसरा ये है, तो कुछ इस तरह से 2 वाइप्स आपको साथ में मिल रहे हैं। ओपन करने के बाद इसका बॉटल कुछ इस तरह से है, ब्लैक एंड गोल्डन बॉटल है। मेरे हैंड्स पे अभी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, तो मैं अपने लेग्स पे करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं इस स्प्रे के हेल्प से। यूज़ करने से पहले इसे अच्छे से सेक कर लेना है, तो मैं यहाँ से अच्छे से सेक कर ले रही हूँ। तो मेरे पैरों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ गई है, आप देख सकते हैं फुल ग्रोथ है। तो मैं इसे यहीं यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो
मैंने इसे अच्छे से सेक कर लिया है बॉटल को। अब मैं इस एरिया में अच्छे से स्प्रे करूँगी। तो मैंने इसको स्प्रे कर लिया है, देन मैं अपने हैंड से थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर दे रही हूँ। देन मैं इसे 5 मिनट के लिए वेट करूँगी, उसके बाद वाइप से वाइप ऑफ कर लूँगी। इस स्प्रे की जो स्मेल है वो नॉर्मल हेयर रिमूवर क्रीम की तरह ही है, स्मेल है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं अभी इसको 5 मिनट अप्लाई करके 5 मिनट वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वाइप ऑफ करके। 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे रिमूव करने जा रही हूँ, वाइप ऑफ करने जा रही हूँ। तो कुछ इस तरह जो वाइप दे रखा है साथ में, तो मैं इसे के यूज़ कर रही हूँ। तो इसको ऐसे ओपन करना है। तो ये वाइप है, तो इससे मैं वाइप ऑफ कर लूँगी। तो चलिए मैं वाइप ऑफ करके इसे दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये बालों को रिमूव कर दिया है। इस तरह से वाइप ऑफ करके और इसे वॉश कर लेना है। तो मैं अभी वाइप ऑफ कर ले रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ इसे वॉश करके आती हूँ। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है पानी से, तो मैं इसे टॉवल ड्राई करके दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे से इसने बालों को क्लीन किया है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली क्लीन किया है। और आप अगर शेविंग करते हैं तो आपके जो छोटे छोटे बाल दिखते हैं, और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लग रहा है एकदम वैक्स करा रखा है। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली इसने क्लीन किया है। मैंने इस स्प्रे को यूज़ किया तो उस टाइम भी कोई भी बर्निंग या कोई इरीटेशन नहीं हुई, और बाद में भी कुछ भी इरीटेशन या कोई बर्निंग नहीं हो रही है, और बिल्कुल भी इसमें पेन नहीं होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई स्प्रे लगाया है, और इस तरह से आपको क्लीन स्किन मिल जाएगी। तो मेरी तरफ से तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको एक बार ज़रूर लेके ट्राई करना चाहिए। और बहुत ही कम टाइम टेकन है, आपको 5 मिनट के अंदर ही आपकी स्किन इतनी स्मूद और इतनी ज़्यादा क्लीन हो जाएगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं पार्टी में कहीं भी, तो आपको जल्दी इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से अपने घर में 5 मिनट के अंदर ही अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं और किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए रेडी हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसका बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो चेकआउट करके इसे ले सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको इतना टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, 5 मिनट के अंदर ही आपके बालों को ये क्लीन कर देता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।